प्रश्न करते हैं तुम चार चार भाई हो, पत्नियां परिवार इतने बड़े, लेकिन कोई काम धाम नहीं करते हो, दिन भर केवल हरि कृष्ण ही करते हो, फिर तुम्हारी घर गृहस्थ कैसे पलेगी। जब उन्होंने ये बात प्रश्न किए तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, हमारे दामोदर को बताएंगे उन्होंने उत्तर क्या दिया है। उन्होंने उत्तर में ताली भगवान बोले मैंने तो कृष्ण का उत्तर पूछा, आपने तीन बार ताली क्यों बजाया, इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने बोला तीन बार ताली का मतलब है मैं पहली ताली का मतलब पहले दिन इंतजार करूंगा, के मैं पहले दिन इंतजार करूंगा कि भगवान व्यवस्था करने वाले कौन है, भगवान, तो पहले दिन इंतजार करूंगा कि कुछ व्यवस्था हुई या नहीं हुई। तो पहला दिन गुजर जाए कोई बात नहीं, बोले दूसरी ताली, बोले दूसरे दिन इंतजार करूंगा भगवान व्यवस्था करेंगे, अगर दो दिन व्यवस्था नहीं हुई तो तीसरी ताली इसलिए कि तीसरे दिन में गंगा जी में जाकर कूद के मर जाऊं, क्यों, क्योंकि जब मेरी रक्षा के लिए भगवान मेरे भजन में इतनी कमी, तीन दिन इंतजार करूंगा भगवान, मेरी जो वचन भगवान भगवदगीता में दिया है कि मेरे भक्ति को जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको मैं अपने सिर पर ढोके उसके घर पहुंचाता हूँ, और जो चीज उसके पास होती है उसकी मैं स्वयं रक्षा करता हूँ, तो ये बात मेरे ऊपर लागू नहीं हो रही, इसलिए मतलब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए वो भगवान जी तीन बार उन्होंने ताली बजाई और महाप्रभु इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि जो मेरे ऊपर पूरा शरणागत है वो तो कह रहे हैं श्रीवास पूरे संसार में कभी अन्न और भोजन की कमी हो सकती है लेकिन तुम्हारे घर में कभी किसी भोजन की किसी चीज का अभाव कभी जीवन में हो ही नहीं सकता, ऐसा महाप्रभु। शरणागति का ये तीसरा लक्षण, तुम रेडी रहना। चौथा जो लक्षण है रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, ये भक्तों पर संपूर्ण रूप में ये विश्वास रहता है। हम इसको पर मैं एक स्टोरी सुना देता हूँ। कहते श्री उड़ीसा में एक ब्राह्मण हुए,
देखो इस जितनी कथा है ना, अपना भाई लोग और माताएं सब कथा को याद रखे, ऐसे नहीं कथा यही सुने और यही पर छोड़ कर चले गए। देखो महाप्रभु का जो आदेश है, महाप्रभु का जो आदेश है, प्रति घर घर में जाओ और भिक्षा मांगो। बोले किस चीज की भिक्षा मांगो? बोलो बोलो कृष्णा भज कृष्ण कर कृष्ण सिखा। बोलना तो कृष्ण ही बोलो, भजन करना तो भगवान की भक्ति करो। अगर जीवन में कुछ शिक्षा बनना चाहते हो, भगवान की भक्ति को ही शिक्षा प्राप्त करो, ये भगवान का आदेश है। इसलिए महाप्रभु कहते जो मेरे आदेश को पालन करता है ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन सबसे ज्यादा मैं किसको पर प्रसन्न होता हूँ? सबसे ज्यादा उसको पर प्रसन्न होता हूँ जगत में जितने जीव है सब मेरे बच्चे। हम अमृत सुपुत्र ठाकुर की बच्चे हम। अगर बच्चे अगर दुखी हो, पिता माता कभी सुखी रहते हैं? बच्चे अगर सुख, बच्चों का सुख देख करके ना पिता माता खुश हो जाते हैं, बच्चा बढ़िया काम नौकरी धंधा बढ़िया रहे। उसको सुख को देख करके पिता भले ही दुखी हो, लेकिन अगर बच्चे का सुख देखे ना पिता खुश हो जाते हैं। अगर बच्चे अगर दुख हो ना, पिता कभी सुखी हो नहीं सकते। इसलिए हम सबके सब किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे, हमारे पिता ठाकुर। इसलिए हम संसार में दुखी है। अगर कोई किसी का बेटा कोई खो गया कहीं चला गया, अगर वो बच्चे को कोई ढूंढ ढांड करके अगर पिताजी को पास में ला दे, पिता कितना खुश नहीं है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मैं उसको ऊपर में सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूँ जो मेरे जो खोए हुए बच्चों को जो ढूंढ करके मेरे पास में जो ला देते, उसको ऊपर में सबसे ज्यादा खुश होता हूँ। ठीक है ना? इसलिए जितने आप कथा सुने, जितना आपसे हो सके उतना आप दूसरों को भी बताने के लिए कोशिश करना। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो होंगे, ऐसे नहीं बैठ करके उसकी छोरी ऐसे कर रहा है, उसको छोरा ऐसे कर रहा है, उसको घर में बहू ऐसे, ये सब दुनियादार की बात नहीं करनी। ठीक है ना? इसलिए क्या बात करना है, इस किस चीज की बात करनी? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, दूसरों को ठाकुर इतना यहाँ से सुन कर भी जाते हो उतना चीज उनको समझाओ, भैया भजन करो, क्यों ये दुर्लभ जीवन को बेकार क्यों करवा रहे हो, भगवान की जीवन पारण कितना तो बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? इतनी बात बोल सकते कि नहीं? इसलिए गुरु जी हर समय कहते थे जब दूसरे बार आओ ना, कम से कम 10 भक्तों को लेकर के आओ। कितने भक्तों को? 10। तब गुरु जी कहते थे भैया 10 भक्त कब लाओगे, कैसे लाओगे? जब कथा सुनाओगे तब तो लाओगे ना। गुरु जी कहते कैसे लाओगे 10 भक्तों को, जब ठाकुर का कथा सुनाओगे तब तो लाओगे ना। अगर भगवान की कथा सुना रहे इसका क्या हुआ? पहला लाभ तो तुम्हारी होगा, दुनिया की बात नहीं करके ठाकुर का बात किया, और किसका लाभ होगा? दूसरा का भी लाभ, दोनों का लाभ। ठीक है ना? जितने कथा हम लोग तो लगता है बहुत पुराने भक्त, हम लोग बहुत पुराने भक्त आप लोग हो, इसलिए क्या करना, कथा को अड़ोसी पड़ोसी को सुनाना, उनको भी भक्ति में लगाना। ठीक है ना? ये कथा को ध्यान देकर सुनो। बोले कोई उड़ीसा में कोई एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अर्जुन मिश्र। वो गीता का टीका लिख रहा था। गीता की टीका लिखते लिखते राजकुमार की कथा तुम्हें याद है क्या? और टीका लिखते लिखते उसमें एक श्लोक, टीका लिखते लिखते एक श्लोक मिला। वो श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कौन सा श्लोक है? कहते अनन्न चिंतन तमाम, कहते जे जनाहा अर्जुन वासते तेसां नित्याभियुक्ता नाम योगासनं वहामि। ये कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन अनन्य, अनन्य मतलब जो ना अन्य और किसी की नहीं केवल मेरी, चिंतन तमाम मेरे को ही हर समय में मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही भक्ति करता है, मेरे भजन में दिन रात जो डूबा हुआ होता है उसके लिए मैं क्या करता हूँ? उसके लिए मैं दो काम करता हूँ। पहला काम करता हूँ घर में जो चीज नहीं हो मैं सर पर रख करके घर में पहुंचाता हूँ। दूसरा काम क्या करता हूँ? जो घर में हो मैं स्वयं उसकी रखवाली करता हूँ। ये कृष्ण स्वयं है, मैं उसको रखवाली करता हूँ। कथा जानते हो? हाँ, ये इधर आओ, कथा को सुना, इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ। आज सब भक्त लोग थोड़ी थोड़ी कथा सुना। उसके बाद में
गुप्तते वर्णम तथा उसके बाद जो होता है रक्षी सति इति विश्वास। चौथा जो शरणागति है, भगवान हमें जरूर रखा करें, ठाकुर जी हमें जरूर रखा करेंगे, चौथा शरणागति। ए इधर आ और क्या ना जीत 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 तुम इधर आ जाओ, जीत महाराज इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, हाँ सामने आ जाओ। हमारी हरे कृष्ण वो कहाँ गया, कब तो अनिरुद्ध करा जाए, अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब इधर आ जाए, हाँ इधर आ जाए सब। आज सभी थोड़ा थोड़ा कथा सुनाना, ये शरणागति के ऊपर कथा सुनाएंगे सब। भगवान जरूर हमें क्या करेंगे इसका उदाहरण देते हैं। हाँ बोल बोलो, ये स्टोरी को आप लोग हर स्टोरी को याद रखना, ऐसे नहीं कथा यही सुन कर कहीं चले गए। देखो इधर इधर सुना ध्यान से। एक समय कोई एक व्यक्ति दुकान में मूर्ति खरीदी करने गया, देखा वहां पर 3 मूर्ति है। उसने पूछा भैया इसका क्या कीमत है, बोले पहला नंबर जो मूर्ति है ना इसका कीमत 100 रुपया, बोले दूसरा नंबर बोले इसका कीमत 500 रुपया, बोले तीसरा बोले 5000, बोले क्यों, ये तीनों मूर्ति तो बराबर है, कितना फर्क क्यों है, बोले 3 गिलास पानी लाओ अभी फर्क समझा था। जिसका कीमत था 100 रुपया, जब उसको कान में पानी डाला ना वो जिधर डाला उधर निकल करके आ गया। बोले ये तो कथा सुनता है लेकिन जिधर सुनता है ना उधर से वो निकाल देता है। अभी दूसरे मूर्ति उसको कान में पानी डाला इधर डाला तो सीधा इधर निकल करके आ गया। बोले तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर इधर निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत कितना है 500 रुपया। बोले जो 5000 जो मूर्ति का कीमत थी जब कान में डाला एक बूंद भी नहीं निकला, वो सब के सब अंदर में गया। बोले इसका कीमत है 5000, जो सुनता है वो अंदर तक ले गया। इसलिए कितने पैसा मूर्ति हमें होनी चाहिए, सुनो था 5000, ठीक है ना। इसका मतलब है सारी कथा को ध्यान से सुने, ये कथा को याद करो और अपना अड़ोसी पड़ोसी को याद रखना, और अगली बार जब आओगे कम से कम एक एक भक्तों को बना बना कर भक्तों को लेकर के आना, कम से कम एक एक भक्त को लाओ, ठीक है ना। अब बोलेंगे महाराज जी देखो मैंने इनको नई गोपी को लेकर गोप को हमने भक्त बनाया, इनको हमने कथा सुना करके ना भक्त बनाया, ठीक है। बोलो कथा सुनो। गुरुवे गोपचंद्रादिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम असम जय गुरु भागवत नित्य लीला जगत गुरु ओम विष्णु पाद परमहंस प्रचार्य उत्तरदंडी स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अवचार पादों में अनंत कोटि साकार भगवत प्रणाम करते हुए उनके हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात अभिनव गुरु पाद पद्म 85 शिक्षा गुरुदेव शिष्य भक्तिदान श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण पदों में अनंत कोटि साकार भगवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपानंद गुरु वैष्णव परम्परा महाप्रणवी भागवत सभी के चरणों में मेरा यथोपे भगवत प्रणाम। देखिए आज महाराज जी ने आदेश कराया और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा हर्ष का विषय है। क्यों है महाराज जी से आके लेकिन मैं 2 मिनट वो बोलूंगा, फिर जो शरणागति की बात महाराज जी कह रहे हैं फिर उससे कुछ महाराज जी के आशीर्वाद से बोलने का प्रयास करूंगा। मेरे जीवन की मतलब मेरे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत नोएडा से हुई, जीत रो के माध्यम से हुई। श्री महाराज जी के अनुगत्य में रह के कुछ सुन के समझने की जो शुरुआत हुई वो यहीं से हुई, सन 2004 से। तो आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हर्ष का विषय है कि यहाँ नोएडा में श्री महाराज जी के अनुगत्य में गुरुदेव की स्मृति में जीत प्रभु के माध्यम से सब लोगों के माध्यम से एक मठ का हम लोगों ने उद्घाटन कराया है और महाराज जी बैठे हुए हैं हमारे सामने। इससे ज्यादा सुंदर हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। और मेरे जैसे ये एक आध्यात्मिक जन्मभूमि है नोएडा। जब मेरा जन्म हुआ आध्यात्मिक इस परमार्थिक क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ 15 वर्ष पूर्व, तो ये वो भूमि है जीव रूप के माध्यम से मैं समझा सीखा चला। ये परिवार मेरे लिए पूजनीय है और मैं इसी लोगों को बात नहीं कर सकता। जीव रूप से बहुत कुछ सीखा बहुत कुछ समझा लेकिन ऋषि की मैं बात कर ही नहीं सकता है। वो मेरा जैसे कह सकते ना कि अ फ्रेंड इज इंडीड फ्रेंड इंडीड, वो मेरा मित्र नहीं है, वो मेरा सखा नहीं है, वो मेरा बंधु नहीं है, वो एक तरह से मेरे लिए एक दुनिया जैसा है। ये हृदय की बात मैं आज कह रहा हूँ।
ऋषि जो है ना एक व्यक्ति ही है मेरे लिए, उससे मेरा इतना संबंध है, घनिष्ठ संबंध है कि मैं उसको बातों से या शब्दों से कह नहीं सकता। जी गुरु का तो मैं सम्मान फिर भी करता हूँ क्योंकि मेरे मार्गदर्शन गुरु रहे, शिक्षा भी उन्होंने प्राप्त, लेकिन उससे मेरा बड़ा प्रेम रहा जी ऋषि से। तो ये परिवार मेरे लिए पूजनीय है और हम सब यहाँ बैठे हैं महाराज जी के अनुगत्य में, और महाराज जी से जो सुना, महाराज जी अभी चर्चा कर रहे हैं, जो ठाकुर भक्ति मोहन जी अपने भजन में कह रहे हैं, छह रूप में शरणागति की बात कर रहे हैं कि अवश्य रक्षित है कृष्ण विश्वास पालना। तो उससे पहले गोपुत्र वराना महाराज जी ने एक सुंदर प्रसंग को यहाँ पे छेड़ा के उड़ीसा के भक्त थे अर्जुन मिश्र करके, भगवान के परम भक्त थे, भगवान के इतने परम भक्त थे कि पूर्ण रूप से पूरे जीवन परिवार का भगवान की शरणागति में रहकर भजन कर रहे थे, लेकिन उनकी जो भौतिक दशा थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। कभी कभी घर में कुछ बनता था कुछ नहीं बनता था, ऐसी अवस्था थी, दिन में 2-3 टाइम को उनको भोजन भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन इतना भगवान पे विश्वास था। एक ग्रंथ भी वो लिख रहे थे और लिखते लिखते एक समय जैसे महाराज जी बता रहे थे कि भगवत गीता में भगवान जो कहते हैं, इसलोक मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है लेकिन अंत की वो बात याद है कि योग विषय में भाग गया कि मैं अपने भक्तों का जो भार है वो धारण कर लेता हूँ। उससे पहले उस श्लोक में कह रहे कि जो नहीं है उसके पास उसको ला के देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ और उसका एक रूप से मैं भार हरण कर लेता हूँ अपने भक्तों का जो मेरे को ऐसी भक्ति करता है। तो ये जो अर्जुन मिश्र है उसी एक कैटेगरी में आने वाले, उसी एक आने वाले भक्त हैं कि भगवान की ऐसी वो भक्ति करते हैं जिसका भार भगवान हरण करते हैं। तो वो इस बात पर थोड़े से जब उस ग्रंथ को लिख रहे हैं तो थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, उनका मन थोड़ा संकुचित हो जाता है कि अगर भगवान ऐसी बात कह रहे हैं तो मैं कभी कभी अपने परिवार को एक व्यक्ति का भोजन भी नहीं दे पाता। तो उनके मन में कहीं ना कहीं इस विषय में थोड़ी सी एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वास्तविक रूप से ऐसा ही है, भगवान अपने भक्तों का भार हरण करते हैं अपने भक्तों की, वो ऐसी बात कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल करते हैं क्या? तो वो अपनी कॉपी किताब को, ग्रंथ को जिसको लिख रहे थे उसको बंद करके वो अपनी पत्नी को बोल के चले जाते कि मैं अभी आता हूँ स्नान करके, और ऐसे करके वो चले जाते। कुछ समय बाद जो पिता की टीका लिख रहे थे, टीका लिखते लिखते उसमें जो सामने आ जाए, और टीका लिखते लिखते उसमें शब्द था जोगाथ्याम बहाम आम, आम मतलब होता है मैं क्या करता हूँ, जो अनन्य रूप में मेरे शरण में आया हुआ है, घर में जो नहीं मैं सर पर रख करके पहुँचाता हूँ, जो है मैं स्वयं रखवाल करता हूँ। इसकी मन में शंका है, बोले शंका किस चीज क्या है, बोले शंका इसी चीज की आई, बोले भैया जैसे सुदामा भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लाए, ठाकुर जी 2 मुट्ठी चिड़वा खाए लेकिन इच्छा करते क्या हुआ, सोने की महल बन गया, केवल एक इच्छा मात्र से। इसलिए हमारे ब्रह्म संहिता में बताया जस प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि सु अशेष विबुधात विबुध ब्रह्मा, मतलब है जिनकी एक इशारा पर, केवल एक इशारा पर, बोले एक एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड का सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाता है केवल एक इशारा पर। जब जिसके एक इशारा पर ये हो जाता है, फिर ठाकुर जी को सर पर रख करके पहुंच जाने का क्या जरूरत है, ठाकुर जी को कष्ट करने का क्या जरूरत है। जैसे राजा है भैया, उसको आदेश करने पर तो कितना नौकर काम करते सब कर लेंगे, फिर ये भगवान को फिर करने का क्या जरूरत, इस चीज की शंका बन रहा है। शंका मन में आ गई तो उन्होंने वो जो लाल पेन था ना, वो लाल पेन से उन्होंने वो श्लोक काट दिया। लेकिन जब श्लोक काट दिए, अभी भगवान ने देखा, देखो इसको विश्वास नहीं, जो मेरे अनन्य रूप में भजन करता है उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ, उसको विश्वास नहीं हो रहा, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है उसको। इसलिए भगवान ये चीज को प्रमाणित करने के लिए, देखो अभी दूसरा प्रश्न आता है भैया, फिर भगवान को फिर पहुंचने का क्या जरूरत, ये चीज को समझो, भगवान को फिर पहुंचने का क्या जरूरत, भगवान की इच्छा करने पर पहुंचा जाएगा, पहुंच जाएगा ना, फिर भगवान को करने का क्या जरूरत। एक उदाहरण दिया, जैसे घर में एक नौकरानी रहती, एक घर में एक नौकरानी रहती, ये अभी बेटा सो गया, मालिक आंटी जो बेटा सो गया तो आपको पता होगा बेटा जब सो जाता है छोटा बच्चा, उसको उठा करके खिलाना बहुत कठिन है,
माता को बड़ा कठिन है, लेकिन बच्चा कितने खाने पर पेट भरता है इसको किसको पता है? माँ को पता है, क्योंकि माँ खिलाती है, उसको पता कितने चीज खिलाओ तो बच्चा का पेट भर जाती है। अगर उसने नौकरानी को आदेश दे दिया तो उसको खिला दे, लेकिन उसकी मैया का चैन रहेगी? पता नहीं बेटा उठा कि नहीं, उसको खिलाए कि नहीं, उसको पेट भरा कि नहीं, है उसको पेट भरा कि नहीं। लेकिन जब तक माँ स्वयं अपना हाथों से बच्चे को खिला नहीं देती है, उसको चैन नहीं करती। इसलिए भगवान का हम बच्चे हैं जो भक्त दिन रात उनकी चिंता में लगा हुआ, इसलिए भगवान सेवकों को दान नहीं करवाते, ठाकुर जी स्वयं खिलाते। खिला करके जब ठाकुर जी को तृप्त हो जाता, नहीं मैंने अपना पहुंचा करके, अपना घर भक्तों घर में मैंने पहुंचा करके आया, भगवान पूरा सेटिस्फाइड हो जाता, नहीं मेरे भक्त भूखा नहीं, मेरा भक्त खा करके बच्चा मेरा बेटा सो रहा है। इसलिए भगवान कहते मैं अपना हाथों से ही खिला करके मेरे को प्रसन्न होता है। मतलब भगवान इतने दयालु है, पता उसके बाद क्या हो। तो जैसे महाराज जी ने बताया तो भगवान इतने परम दयालु है कि अपने भक्तों को वो अपने हाथों से खिलाते हैं। तो ठीक जब वो स्नान करने चले गए और अपनी उस भगवद्गीता की टीका को रख कर चले गए, काट दिया, तो भगवान ये प्रमाण करने के लिए कि मैं अपने भक्तों को किस प्रकार से अपने हाथों से खिलाता हूँ, तो भगवान एक छोटे बालक के रूप में सुंदर शिशु रूप धारण करके ऐसे 5-7 वर्ष के बच्चे बन के अपने सर पे फलों का एक टोकरा लेके, उसमें जो घर की राशन की वस्तुएं होती हैं वो सारा कुछ लेके और चलते बड़े मुश्किल से आ रहे हैं, और दरवाजा खटखटाया तो जो उनकी मिश्र जी की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने दरवाजा खोला, देखा कि छोटा कितना सुंदर बालक इतना भारी सामान सर पे रखे हुए मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। माता जी ने उसको अंदर लिया, अंदर लेके उसको बिठाया, फलों का वो राशन का टोकरा उतार के देखा उसके सुंदर रूप को, और उसके सुंदर रूप को देखे जैसे मैया एक भाव में बह गई। और कुछ समय बाद जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने देखा कि उनके वक्ष स्थल पर वो जो बच्चा था 5-7 वर्ष का सुंदर, उसके वक्ष स्थल पर उसकी छाती पर एक निशान पड़ा हुआ था, जो ऐसे जैसे कोई काट देता है तो वो ताजा निशान जैसे होता है, घाव जैसे दिख रहा था। तो मैया ने पूछा कि लाला ये किसने करा? कि ये मिश्र जी ने ही मुझे करा है, कि वो तो बड़े निष्ठुर हैं, उन्होंने तुम्हारे जैसे सुंदर एक बालक के वक्ष स्थल पर इतना घाव कैसे दे दिया? ऐसी बात वो करने लगे, और करते 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 जब मैया उन राशन के टोकरे को या फल के टोकरे को लेके अंदर गई, बोले कि बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ दवाई इत्यादि की व्यवस्था करता हूँ, तो ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वो बच्चे जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए वहां से। अब फिर कुछ समय बाद मिश्र जी जब आते हैं तो सारी चीज हुई, महाराज जी इसको पीछे से कवर अप करके आपको अच्छे से सुना देंगे, और क्योंकि ये कथा बड़ी सुंदर है, महाराज जी के मुख से सुन के आनंद आएगा, तो मैं बस 2 मिनट में शेयर करता हूँ, महाराज जी ये सुनाए तो अच्छा है। तो बाद में जब मिश्र जी आए और फिर उनकी धर्मपत्नी से उनका वार्तालाप हुआ, तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला कि आपने एक छोटे बच्चे को इतना सारा सामान लेके भेज दिया और उसके छाती पे इतना घाव भी दे दिया। तो बोले कि मैंने तो किसी को नहीं भेजा। मिश्र जी बोले मैंने तो किसी को नहीं भेजा। तो बोले कि नहीं, वो तो आप ही का नाम ले रहा था, और उन्होंने देखो सामान भी लेके आया, प्रमाणिक रूप में सामान दिखाया कि देखो फल फूल और सारे के राशन का सामान है। तो भगवान कि जो भावना थी उनके हृदय में एकदम स्फुट हुई कि मैंने संशय करा अपने प्रभु पर, और भगवान ने कैसे उसको संशय को दूर कर दिया। तो यहाँ ये कथा आपको यही दिखाती है कि जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं ना, वास्तविक रूप से जो किसी अनन्य का मतलब भी हम सब लोग समझते हैं कि वास्तविक रूप से सिर्फ और सिर्फ भगवान की भजन करते हैं, भगवान के अलावा किसी को भी नहीं जानते, उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं, और भगवान के साथ साथ गुरु विष्णु की सेवा जो मुख्य है वो करते करते तो भगवान की सेवा होगी। भगवान की सेवा ऐसे सीधी होती नहीं, गुरु वैष्णव की सेवा मूल है, वो करते करते जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान उनकी योग क्षेम वाहन में भगवद्गीता में जो भगवान बोले वो पूर्ण करते हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है, और महाराज जी ने एक छोटा सा प्रसंग और 3 मूर्ति वाले भी बताया है ना, 3 मूर्ति है, 100 की, 500 की, 5000 की, तीनों का कारण भी बताया कि क्यों कौन 100 की है, कौन क्यों 500 की है, कौन क्यों 5000 की है। मैं अपने विषय में जानता हूँ मैं 100 रुपए वाली मूर्ति हूँ, और इतना भी जानता हूँ कि महाराज जी मेरे ऊपर ऐसा आशीर्वाद करेंगे जीवन पर्यंत इनके चरणों में सेवा में रह के निकल जाए, घृस्ती हूँ फिर भी जितना संभव प्रयास होता है इनकी चरणों की सेवा मिलती रहे, तो ये विश्वास जरूर करता हूँ कि ये 5000 की मूर्ति बना के ही छोड़ेंगे। तीसरा शरणागति है,
तीसरा क्या शरणागति, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे, हम भगवान हमें पाल, ये तीसरा लक्षण है शरणागति की। और जो चौथा जो शरणागति है कहते रक्षिष्यति इति विश्वास, रक्षिष्यति इति विश्वास मतलब होता है भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे ही, पूर्ण विश्वास होनी चाहिए भगवान के प्रति। भगवान कैसे भक्तों को रक्षा करते हैं हमारे श्री गजेंद्र प्रभु जी बताएंगे, भगवान हमें कैसे रक्षा करते हैं, किस भक्त ने इसका प्रमाण तो किस भक्त ने किया किया है। अज्ञान्तमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द सभी पर हाथ उठा के बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, अब लोग थोड़ी थोड़ी आगे चले आएंगे, थोड़ी सी सर्विता, थोड़ी जितना हो सके आपके पास में आ गया। सर्वप्रथम गुरुभाव पद्म पर महाराजम श्री श्रीमद भक्ति विदान श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद शोदर्शत श्री श्रीमद भक्ति विदान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समस्त रूपान गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपश्चात यहाँ उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता भाई प्रभु सभी के चरणों में मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं वो शरणागति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में बड़ी सुंदर रूप में बताया है कि किस प्रकार षडंग शरणागति होती है। षडंग शरणागति अर्थात छह प्रकार की शरणागति बताई है कि दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रप्ते वरण अवश्य रक्षीव कृष्ण विश्वास पालन। तो ये जो दूसरी ये जो चौथी शरणागति हम सुन रहे हैं अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन कि रक्षस्य इति विश्वासो, ये हमको विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही। और शास्त्र में इस चीज से कई सारे उदाहरण बताए गए हैं। गुरुदेव भी प्राय करके एक जो उदाहरण मुझे स्मरण आ रहा है वो मैं बताता हूँ आपको। रक्षस्य इति विश्वासो, जो कृष्ण भक्त होता है क्योंकि वो शरणागत है, वो अपने प्रभु के शरणागत है, तो उसको इतना विश्वास होता है कि मेरे प्रभु क्योंकि मैं ये मेरे पालन आ रहे हैं तो ये मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। किस प्रकार के ही, जैसे अम्बरीश महाराज के जैसे विश्वास था। आप देखो आपने सुना होगा किस प्रकार जो है अम्बरीश महाराज निष्ठा पूर्वक जो है एकादशी व्रत का पालन करते थे, एकादशी व्रत का पालन करते थे। उसी दिन जब द्वादशी हुई, द्वादशी के दिन उनके पास में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि जब आए वहां पर उन्होंने संत को देखकर उनका स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और पारण करने जा रहे थे तभी उन्होंने दुर्वासा ऋषि को बोला कि आइए आप भोजन ग्रहण कीजिए। नियम है देखो कि एकादशी के बाद में जो द्वादशी होती है तो यदि कोई ब्राह्मण हो तो उसको भिक्षा दे के या फिर कुछ ना कुछ वैष्णव की सेवा करके और एकादशी व्रत का अगर पारण करो तो इससे पूर्ण फल मिलता है। तो उन्होंने भी यही चीज एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। तो जिस प्रकार जब उनके यहाँ अम्बरीश महाराज जब दुर्वासा मुनि आए तो दुर्वासा मुनि को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आइए आप भोजन ग्रहण कीजिए। तभी दुर्वासा ऋषि ने इच्छा व्यक्त करी कि वो स्नान करके आएंगे, तो वो पास में जो है यमुना में स्नान करने के लिए चले गए। अब पीछे से वो स्नान करने के लिए चले गए थे और यहाँ पर जो है पारण का समय खत्म हो रहा था। आप लोग जानते हैं देखो एकादशी का पालन करना होता है तो उसके अंदर पारण करना बहुत जरूरी है। अगर जो निर्धारित समय है उसके अनुसार अगर आप पारण नहीं करेंगे तो फिर एकादशी व्रत आपका पूर्ण नहीं हुआ। तो यहाँ पारण का समय निश्चित हो, यहाँ पारण का समय शेष हो रहा था और वहां से दुर्वासा मुनि आए नहीं थे। अतिथि देवो भव अर्थात अतिथि का स्वागत करने के बाद में, अतिथि को खिलाने पिलाने के बाद में ही हमें खाना चाहिए। तो दुर्वासा यहाँ पे जो अम्बरीश महाराज है ये असमंजस में थे कि क्या करूं, अगर मैं पारण कर लेता हूँ तो यहाँ पर अतिथि का अनाग्रह उनकी जो है उनका ठीक से सम्मान नहीं होगा और अगर मैं पारण नहीं करता हूँ तो मेरी एकादशी व्रत जो है
वो निष्फल चला जाएगा। अम्बरीश महाराज जो है वो नित्य प्रति जो है निर्जला एकादशी करते थे, अर्थात वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे। जो शास्त्र में एकादशी का नियम बताया गया है वो यही चीज बताई गई है कि एकादशी के एक दिन पहले दशमी पर दिन में भोजन करो, शाम में जो है कुछ अन्न ग्रहण नहीं करना है, फिर उसके बाद में अगले दिन पूरा निर्जला करना है, और निर्जला करने के बाद में पूरी रात भर जो है एकादशी की जो रात है उस दिन नाम संकीर्तन होना चाहिए, और उसके बाद में अगले दिन जो है द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को या वैष्णवों को भोज करवा के और उसके बाद में फिर पारण करना चाहिए। लेकिन हम लोग तो कलयुग के बद्ध जीव हैं, हम लोगों से तो इतना पारण इतना सब कुछ पालन होगा नहीं, इस वजह से हमारे गुरुवर्ग जो है बहुत दयालु हैं, तो वो कृपा करके बोलते हैं कि ठीक है पूरा उस दिन, मान लो हम लोग तो क्या करते हैं देखो दशमी के दिन भी जो है पूरा रात में भी खाते हैं, और इनफैक्ट ज्यादा करके खाते हैं लोग कि जो है हम लोग कल पूरे दिन भर भूखे रहना है, तो आज जो है जेठ भर के बिल्कुल यहाँ तक खा लेते हैं, उसके बाद में चलो अगले दिन भूखे रहेंगे, ये नियम नहीं बताया शास्त्र में। लेकिन गुरुवार बोलते हैं ठीक है चलो ऐसा भी कर लो, अगले दिन मान लो निर्जला नहीं रह सकते जल ले लो, जल नहीं ले सकते चलो पारण जो अनुकल्प बनाते हो वो भी ग्रहण कर लो, वो ग्रहण कर लिया और अगले दिन फिर क्या होता है द्वादशी के दिन समय पे पारण करना होता है। तो अम्बरीश महाराज जी क्योंकि निर्जला रहते थे वो ब्राह्मणों से परामर्श कर रहे थे, तभी ब्राह्मणों ने बोला कि आप जो है जल ले लो, क्योंकि आपने क्या किया है आपने निर्जला व्रत रखा है, तो अगर आप जल ले लोगे तो उससे पारण हो भी जाएगा, और क्योंकि आपने कुछ खा नहीं रहे हो तो उससे वैष्णव का सम्मान भी, जो दुर्वासा मुनि है उनका सम्मान भी हो जाएगा। तो वो जो है जिस समय पारण करने जा रहे थे उसी प्रकार जो है हठात दुर्वासा मुनि वहां पर पहुंच गए, वो देखकर तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए, बोले दुष्ट तुझे जो है ब्राह्मणों का वो योगी थे तो बोले तुम्हें सम्मान करना नहीं आता है, बोले मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरे पीछे से तुम जो है ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने जो है तुरंत अपनी जटा से एक जटा निकाला केश और जमीन पे फेंका, जमीन पे फेंकते ही वहां से जो एक राक्षसी प्रकट हो गई, और वो राक्षसी जो है तुरंत जो है उनसे जो दुर्वासा मुनि थे उनसे आज्ञा ग्रहण करके और जो है अम्बरीश महाराज के प्रति उसको खाने के लिए भागने लगी। अम्बरीश महाराज जो थे क्योंकि वो शरणागत भक्त थे तो उनको विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे ही, और अगर मेरी मृत्यु जो है इस राक्षसी से लिखी हुई है तो उसको कौन टाल सकता है, ये विश्वास होता है कृष्ण भक्त को। तो वो जो है क्या करे हाथ जोड़ के और भगवान का स्मरण करने लगे कि हे भगवान मैंने जो है अपराध किया है, मेरे यहाँ पर जो है ब्राह्मण आए थे और मैंने इनका सम्मान नहीं किया और मैं जो उसके पीछे से जो है मैं जल ग्रहण कर लिया, तो इस अपराध के कारण मेरी मृत्यु हो जाए यही ठीक है। तो हाथ जोड़ के शरणागत होकर भगवान का स्मरण करने लगे, तभी क्या हुआ देखो भगवान कृष्ण क्योंकि वो अपने भक्तों की रक्षा निश्चित रूप में करेंगे ही करेंगे, उन्होंने जो प्रतिज्ञा अभी हम सुन रहे थे किस प्रकार से उन्होंने प्रतिज्ञा करी है, तो वो उनके पास जो है उसकी रक्षा करते हैं, और एक और जो श्लोक में बताया गया है कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता, तो विनाश नहीं होगा तो निश्चित रूप से भगवान का जो अस्त्र शस्त्र है वो इसी वजह से है, भगवान जो है अपने अस्त्र शस्त्रों से भक्तों की रक्षा ही करते हैं। तो जब वो राक्षसी अम्बरीश महाराज को खाने के लिए दौड़ रही थी तभी जो है भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, सुदर्शन चक्र छोड़ते ही आकर वो राक्षसी का उसने सर काट दिया, और सर काटती वो जो क्या है वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, क्योंकि मूल कौन है राक्षसी को किसने बुलाया था दुर्वासा मुनि ने बुलाया था, तो वो दुर्वासा सुदर्शन चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया, दुर्वासा मुनि उस सुदर्शन चक्र के ताप से भागने लगे, बोले अब तो मेरा नंबर आ गया, तो वो भागने लगे, वहां से भागते 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 वो जो गए ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी को बोला आप मेरी रक्षा करो, बोले रक्षा मैं नहीं कर सकता मेरे सुदर्शन चक्र से मैं रक्षा नहीं कर सकता, ये जो जिनका है उन्हीं के पास में जाओ, ब्रह्मा जी भी वहां पर रक्षा नहीं कर पाए। उसके बाद में वहां से जो है वो चले गए शिव जी के पास में, देवाधिदेव महादेव उनके पास में चले गए, उनको बोला कि आप जो है मेरे पीछे सुदर्शन चक्र पर आ गए आप जो मेरी रक्षा करो, बोले मैं भी इससे रक्षा नहीं कर सकता, ये चक्र जिनका है आप उन्हीं के पास में जाओ। वो जो है तुरंत पहुंचे वैकुंठ में भगवान नारायण के पास में, बोले जो आपका सुदर्शन चक्र है वो मेरे पीछे लगा हुआ है आप मेरी रक्षा करो, बोले जो कांटा अगर पैर में निकला गड़ा है तो तुम सिर से निकाल सकते हो, बोले मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। वहां पर जो है दुर्वासा मुनि एकदम चकित हो गए, बोले सुदर्शन चक्र आपका है आपने छोड़ा है और आप रक्षा क्यों नहीं कर सकते, आप उसे वापस बुला लो, बोले नहीं अहम भक्त पराधीन। बड़ी सुंदर बात बताते हैं यहाँ पर कि मैं जो है भक्तों के पराधीन हूँ, मैं तुम्हारी सुदर्शन चक्र से रक्षा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तुमने जो मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, तुमने मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन मेरा भक्त इतना शरणागत था उसकी रक्षा के लिए मुझे सुदर्शन चक्र छोड़ना पड़ा। यहाँ पर जो है दुर्वासा मुनि एकदम इस शिक्षा को लेकर बहुत ही उदास होके और वो जो है उनसे फिर वो प्रश्न करने लगे यहाँ भगवान से कि मैं क्या करूं फिर आप बताओ, बोले जहां से कांटा लगा है वहीं से ही निकलेगा, तुमने
अपराध किया है अम्बरीश महाराज के चरणों में, तुम वहीं जाओ, उनसे जो है प्रार्थना करो, उन्हीं से जो है माफी मांगो, तभी जाकर जो है तुम्हारे ये चक्र तुम्हारे पीछा छोड़ेगा। वहां पर जो है तुरंत जो है दुर्वासा मुनि जो गए और जो है अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करने लगे। वहां पर अम्बरीश महाराज जी पुनः उनसे जो है हाथ जोड़कर विनती करते कि बोले महाराज मुनिवर आप ऐसा मत कीजिए, इनफैक्ट मेरा अपराध था कि मैं जो है आपका आपके प्रति मेरा जो है ठीक रूप से मैंने सम्मान नहीं किया। तो जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करी तब जाकर जो है वो सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा छोड़ा। और किस प्रकार एक प्रश्न यहाँ और उठता है कि जब सुदर्शन चक्र आया उसने जो राक्षसी थी उसका तुरंत गला काट दिया, लेकिन दुर्वासा मुनि के पीछे वो धीरे 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 क्यों भागता था, उनका भी तो सर तुरंत काट सकता था ना, है कि नहीं। भगवान को अपने भक्त की महिमा बतानी थी, किस प्रकार जो है मेरा भक्त जो है शरणागत है मेरे ऊपर, किस प्रकार जो है ये शिक्षा स्थापन करने के लिए ही जो है ये सब चीज हुई। और राक्षसी थी विश्वास और ये जो चीज है पूर्ण तरीके से जो अम्बरीश महाराज थे उन्होंने किस प्रकार पालन करी है ये इस उदाहरण से हमको पता चला। रविंद्र प्रभु जी रविंद्र इधर आ जाए, इसलिए यहाँ पर बताए रक्षी सती विश्वास, मतलब है जो एक शुद्ध भक्त होते हैं इनकी भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रहता है भगवान जरूर हमें रक्षा करें। इसलिए देखो जिस समय श्री दुर्वासा जी पहुंचे वैकुंठ नारायण के पास में, भगवान नारायण कह रहे हैं बोले तुम तो बहुत बड़े योगी हो और ये अम्बरीश महाराज गृहस्थ है, अम्बरीश महाराज गृहस्थ है और तुम त्यागी साधु योगी हो तुम, और वो कौन है शंकर जी की प्रकाश, शंकर जी की प्रकाश। जब तुमने अम्बरीश महाराज के ऊपर में ये कृत्य मतलब राक्षस को भेजा मारने के लिए, वो इधर उधर भाग रहे थे, बोले भाग रहे थे इधर उधर, वो भाग नहीं रहे थे, बोले क्यों, बोले जिसके राखे साइया मार सके ना कोई, पाल ना बांका कर सके जो जग बहेरी कोई है। इसलिए वो तो एक जगह पर खड़े रहे, गृहस्थ है एक जगह पर खड़े रहे, जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कोई भी पाल भी बांका नहीं कर सकते हैं, लेकिन तो तू जोगी जोगी महाजोगी हो, लेकिन अपना रक्षा करने के लिए इधर पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, अरे शंकर जी के पास में, फिर वैकुंठ चले गए, कहा वैकुंठ तक तुमने भटक रहे हो और वो जागता खड़े हुआ है, हाँ जागता खड़े हुए हो, बताओ उसने जो एकादशी व्रत किसके लिए किया था, मेरे लिए किया था ना, मेरे सुख के लिए किया था, हाँ मेरे सुख के लिए किया था, थोड़ी तो पानी पिया था और तो कुछ नहीं, अब आप उसको मारने के लिए तैयार हो गया। इसलिए कहते जो भगवान की एकनिष्ठ भक्त होते हैं इनकी भगवान के ऊपर में पूर्ण विश्वास रहता है, ठाकुर जी हमें जरूर रखा है जरूर। लेकिन अब ये प्रश्न है फिर हमारी अंदर में ये विश्वास क्यों नहीं आता, अगर थोड़ी सी विपत्ति आ जाए ना फिर तो हम इधर से उसी हाँ किसको पास में पहले भागने लग जाते हैं, ज्योतिष को पास में चले जाते हैं, नहीं तो कहते नहीं अमुक जगह में कोई बाबा उसको पास में भागो, और बाबा को पास में भागने वहाँ काम नहीं बना, अरे नहीं वहाँ पर कोई देवी बड़ी जल्दी काम देती फल देती है, बस यहाँ यहाँ भैया यहाँ वहाँ भागने से ना ठाकुर जी ध्यान देकर सुनो वो तीन जगह से टेढ़े हैं, वो पहले से ही टेढ़े हैं, अगर हम सीधे बनेंगे तो ठाकुर सीधे बन जाएंगे, अगर हम टेढ़े बनेंगे ना वो भी पहले से ही टेढ़े हैं, फिर वो टेढ़े ही बन जाएंगे, वो टेढ़े टांग वाले हैं। इसलिए उनके ऊपर में हमें पूर्ण रूप में विश्वास रखनी चाहिए, तभी भगवान रक्षा करते हैं। जैसे द्रौपदी, जब द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी एक दिन कृष्ण को द्रौपदी प्रश्न करती, बोले प्रभु जब दुशासन मेरी वस्त्र हरण कर रहा था आपको तो हम बड़े देर से पुकार रहे थे, अब आने में इतने देर क्यों किए, बोले द्रौपदी तू झूठ मत कह, तू मेरे को तो पुकार रही थी दिल से पुकार रही थी, बोले कैसे पुकार रही थी, बोले झूठ मत कह सच बताओ, बोले क्या बोलो, बोले जब दुशासन तुम कैसे कैसे लाए बड़ी सभा में पहले तू क्या सोच रही थी, मैं तो आधा रास्ता तक तेरे को बचाने के लिए आया फिर वापस गया, बोले क्यों, बोले भाई तू ये सोच रहे कि मेरे पांच पांच पति है सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन गदाधारी भीम और नकुल सहदेव युधिष्ठिर भालाधारी हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, तू सोच रहे थे कि नहीं, बोले हाँ प्रभु सोच रहे थे, बोले जब तुमको इतने लोग रखा करने वाले बीच में क्यों आए, बोले फिर मैंने पास में आकर के वापस गया, बोले क्यों जब इन लोगों ने रखा नहीं की फिर तू सोच रही थी यहाँ पर मेरे पितामह सबके सब बैठे धृतराष्ट्र और हमारे
हाँ भीष्मा यहाँ पर बैठे हुए कुछ ना कुछ बोलेंगे, जब तुमको इतने लोग रखा करने बल पैर पे पीछे हुआ। बोले द्रौपदी एकदम पास में आ करके वापस गई। बोले क्यों, फिर तो अपना कपड़े को स्वयं पकड़ कर रखती, दांत को नीचे दबा करके। बोले द्रौपदी जब तुमको रक्षा कर सकते फिर बीच में क्यों आता, लेकिन जब तुमने देखा कोई भी हमें रक्षा करने वाले नहीं, फिर तुमने दोनों हाथ उठा करके हे गोविंद राख शरण आपका जीवन हरि, जब दोनों हाथ उठाया फिर मैं स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गया। फिर तो 10,000 हाथी का ताकत खत्म, लेकिन 10,000 साड़ी खत्म नहीं। दुनिया देख रहे थे साड़ी की नारी ना नारी, साड़ी बीच कोई नारी ना नारी की कोई साड़ी बनी हुई है। इसलिए कहते जो भगवान के ऊपर में ऐसे पूर्ण विश्वास करनी चाहिए, इधर उधर हम नहीं लगनी चाहिए। इसको पास में चलो उसी देवी को उसी चामुंडा भरत कृष्ण छोड़ देंगे, जाओ वहीं पर भटकते रहो, वहीं पर भटकते रहो। इसलिए हमें जब हम कृष्ण शरण में आए ना, कृष्ण की एक आदेश हो जाए, भगवान कहते हैं मत भयात बाति वातोयम सूर्य तपति मत भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु स्मरति मत भयात। भगवान स्वयं कहते हैं ये विश्व ब्रह्मांड केवल मेरे आदेश पर चलता है, सूर्य केवल मेरे आदेश पर उग रहा है, चंद्र सूर्य अपना ग्रह मेरे आदेश पर चलते हैं, इंद्र मेरे आदेश पर वायु बरसता है, अग्नि मेरे आदेश पर दहन करती है, वायु मेरे आदेश पर चलती है, ये विश्व ब्रह्मांड केवल मेरे इशारा पर चल रहा है। इसलिए कहते ना ठाकुर की इच्छा के बगैर एक पता भी नहीं चलता। इसलिए हमें भगवान के ऊपर में पूर्ण शरणागत होना चाहिए, ठीक है ना, इधर उधर भरनी नहीं चाहिए। बाहर ठाकुर के चरण में एकनिष्ठ होकर के प्रभु तुम ही हमारी रक्षा करता हो, तेरी सिवाय कोई हमारी रक्षा करता नहीं, कहती है चौथा शरणागति है। और जो पंचमा है कहते अनुकूल्य से संकल्प और प्रातिकूल से विवर्त, मतलब है भक्ति का जो अनुकूल वस्तु इसको स्वीकार करो और भक्ति का जो प्रतिकूल वस्तु उसको त्याग देनी चाहिए। हैं अनुकूल को स्वीकार करो, जो काम करने से गुरु वैष्णव और भगवान प्रसन्न है वही काम, जो काम करने पर हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं वो काम कर नहीं करनी चाहिए। कहती है छह तरह का शरणागत, अभी हमारे भक्त लोग पांच पांच बोलेंगे, ये जो कथा सुनाएंगे श्री हरिदास ठाकुर कैसे भगवान के प्रति कैसे विश्वास किया है, जब पिताजी ने कैसे रक्षा किए प्रभु जी से बताएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी जैसे प्रसंग चल रहा है कि जो भगवान के कृष्ण भक्त होते हैं उनकी भगवान पे पूर्ण विश्वास होता है कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे करेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है जैसे कि श्री रामाचार्य हरिदास ठाकुर जो भगवान के परम भक्त थे, उनका जन्म यमन कुल में हुआ था, वो जन्म से मुस्लिम थे, लेकिन तब भी मुस्लिम होने के बाद भी वे भगवान के परम भक्त थे, वे भगवान का नाम क्या करते प्रतिदिन 300,000 हरि नाम। तो जब ये बात वहाँ के जो राजा थे तो वहाँ के जो राजा थे वो मुगल साम्राज्य था उस समय, तो उनको पता चला कि जो यहाँ हमारे कुल के एक मुसलमान व्यक्ति जो भगवान का नाम का जप किया करता है, तो वहाँ के जो मंत्रिमंडल था उस पर बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने राजा के कान में जाके बात बताई कि ऐसे से एक नाम का हरिदास ठाकुर है, वो भगवान के नाम का जप किया करता है, हिंदू धर्म का पालन करता है मुस्लिमों के लिए। तो राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी और राजा ने उन्हें पहले तो समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं समझे तो राजा ने आदेश दिया कि अपने सिपाहियों को जाओ इन्हें 22,000 22,000 में जाके इनको घोड़े लगाए जाए। तो जैसे ही एक बाजार है 12 बजे का बाजार, एक 14 बजे का बाजार, एक 18 बजे 18 बजे ऐसे यहाँ काफी दूर दूर बाजार है मेन मार्केट, तो वहां ऐसे 22 बाजार थे।
आगे राजा दिखाना चाह रहा था कि देखो जो हमारे विपरीत चलेगा उसका हम क्या आसन करेंगे। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और वो सबके साथ हंटर लेके, जो पहले जमाने में हंटर होते थे चमड़े के बने होते थे, काफी मजबूत होते थे, भारी होते थे, अगर वो एक आदमी एक भी लग जाए तो उसके शरीर से उसके साथ चमड़ी का खून निकल आता था, तो इतना वो कष्टदायक होता था। तो राजा का आदेश था जाओ और हिंदुस्तान को 22,000 में कोड़े लगाए जाए। तो जब उन्होंने उनको कोड़े लगाने शुरू किए तो हरिदास ठाकुर बिल्कुल भी नहीं डरे, वो निर्भीक थे, उन्हें पता था कि भगवान की रक्षा जरूर करेंगे। वो अपना सिर्फ भगवान का नाम का जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो उनको कोड़े पे कोड़े लगाने पे लगे हुए, एक बजा दो बजा तीन बजा ऐसा ही करते करते 22 बजा, और हरिदास ठाकुर को बिल्कुल भी उनके अंदर कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उनकी मार का उन पर असर हो रहा है या थक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सिपाही थे वो उनको उल्टा मार मार की तरह थक चुके थे कि उनकी हालत खराब हो चुकी थी, ऐसा लगने वाला था कि वो यहाँ मर जाएंगे। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की, वो समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि राजा का हमें आदेश है कि आपको हमें मारना है और हम असमर्थ हैं, तो अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो राजा हमें दंड देगा। तो इतना जान के कि हरिदास ठाकुर ने लीला की और उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो अब अपने शरीर छोड़ चुके हैं। तो इसके बाद जब राजा को पता चला कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो राजा ने आदेश दिया कि अच्छा ऐसा हुआ, एक काम करो उन्हें पास वाली नदी में डाल दो। नदी कौन सी थी? गंगा नदी, गंगा जी तो उनके लिए तो साधारण नदी है, लेकिन वो गंगा जी की महिमा तो नहीं जानते। उन्होंने बोला हरिदास ठाकुर को गंगा में प्रवाह कर दो, तो उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को गंगा में प्रवाह कर दिया। लेकिन फिर हरिदास ठाकुर जी वहां से तैरते तैरते दूसरे गांव में पहुंचे और वहां उन्होंने दोबारा अपना हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। तो यहाँ इससे देखने को हमें मिलता है कि उन पर 22 बाजार में कोड़े लगाए गए, लेकिन एक भी कोड़े का उन पर निशान, पूरे शरीर में एक भी निशान नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो बताया जाता है कि जो भगवान ने उनको आलिंगन किया हुआ था, भगवान ने एक भी कोड़े और अपने भक्त हरिदास ठाकुर में नहीं लगने दिया और सारे कोड़े अपने ऊपर सहन करे। तो भगवान देखो अपने भक्तों की ऐसा रक्षा करते हैं। वंशा करके तुलसी कृपा की जय। सब भक्त पांच पांच मिनट बोल रहे हरे कृष्ण, अंदर में घर में लग रहा है ना। अज्ञान निमृतस्य ज्ञानाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पर भक्ति वेदांत सिद्धर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ, तथा यहाँ पे उपस्थित समस्त भक्त वंदन के चरणों में यथायुक्त दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव का आदेश है कुछ हरी कथा बोलने का, तो मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, पर जो कुछ भी सीखा उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। जैसे माइक है, माइक का अगर हम ईगो थोड़ा बढ़ा दिया जाए ना, बढ़ जाए ना, तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। ऐसे इंसान के अंदर अगर ईगो बढ़ जाए ना तो उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। माइक का ईगो, इंसान का ईगो बड़े प्रॉब्लम करते हैं। अब जैसे कि इसका उदाहरण क्या है, रावण है। रावण को ना बड़ा अहंकार था अपने ऊपर कि मेरे पास तो धौली की लंका है, तीनों लोगों को विजय कर रखा। उसको क्या है, पहले उसके घर वालों ने समझाया, किसने, उसकी पत्नी मंदोदरी ने, कि भैया ये जो है सीता जी है भगवान की पत्नी है, इनको वापस कर दो, ये गलत बात है, नहीं समझ में आई। उसके भाई ने समझाया, विभीषण ने, उसको समझ में नहीं आई। फिर यहाँ से भी समझाया, हनुमान जी ने भी समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। फिर अंगद ने भी समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। उसका हुआ क्या अंत में, उसका पतन हो गया। किस कारण हुआ, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो था। चार चार लोगों को समझाने के बाद भी उसको समझ में नहीं आया। यही जो है हम सबकी स्थिति है। किसी को महाराज जी बहुत सारी बातें बोलते हैं और बहुत सारे लोगों से बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जितना उसका उनका ईगो का लेवल डाउन है उतना उनको बात समझ में आ जाती है, जितना ईगो ऊपर है उतना उनको बात समझ में नहीं आती है। बहुत सारे लोग हैं जिनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं कि हम लोगों को शायद थोड़ा बहुत हमारा ईगो कम होगा। ईगो वास्तव में क्या है? ईगो भगवान क्या कहते हैं, हम कौन है, हमें जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम लोग ये भूल गए हैं कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं।
बस यही भूलना ही हुए है। अगर जिसको याद है कि मैं जो है भगवान का सेवक हूँ, गुरुदेव का या वैष्णव का सेवक हूँ, बस उसका ईगो खत्म हो गया। अच्छा, अब ईगो खत्म होने से फिर होगा क्या? हम लोग भगवान की सेवा करेंगे। भगवान की सेवा से मिलता क्या है? देखो, गुरुदेव की कृपा से हम लोगों के पास मनोड़ा में इतना अच्छा मठ हो गया। अब मठ हो गया तो हम लोगों का कर्तव्य दायित्व क्या है? मठ में आके हमें जो है सेवा करना। अब सेवा से मिलेगा क्या? भगवान राम की लीला में हम लोग देखते, जटायु का भाई था संपाति, देखा संपाति जटायु का भाई, तो उसके क्या थे? पंख नहीं थे। जब भगवान सीता को ढूंढने के लिए वन में निकलते तो संपाति से पूछते कि भैया आपने हमारी पत्नी को देखा? तो उसने देखा था, उसने बस उसके पंख नहीं देखे, क्योंकि चल गए थे उसके पंख, तो उसने बस केवल इतना किया, हाँ वहां साइड उसके दोनों पंख आ गए, केवल इतना करने से। उसने ज्यादा कुछ सेवा नहीं की, उसने बस इतना बताया, हाँ प्रभु मैंने जो है देखा सीता जी को, रावण उस साइड ले जा रहे, इतना बोलते ही उसके दोनों पंख आ गए। हमें क्या लगता है, अगर हम भगवान की कुछ सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे उसके लिए, चाहे अपना शरीर दे, कोई धन दे, तन दे, कुछ भी दे, तो भगवान क्या करेंगे? थोड़ा अगर हम देंगे तो भगवान हमारा जो है, जो कुछ भी हमारे जीवन में कमी होगी, सब कुछ पूरा कर देंगे। अब सेवा जो है, सेवा से ऐसे किस किस को क्या मिला? जैसे कि हम लोग जानते हैं कुब्जा थी, कुब्जा क्या करती थी? कुब्जा जो है पूरे जीवन भर उसने कंस को चंदन लगाया, लेकिन जब भगवान मथुरा में आए तो क्या हुआ? कुब्जा ने थोड़ा सा चंदन, बस एक दिन ही लगाया, एक दिन उसने थोड़ा सा चंदन भगवान को लगा दिया। भगवान ने क्या किया? उसको विश्व सुंदरी बना दिया। देखो सेवा का कितना फल है। तो बस मैं तो यही कहूंगा, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि गुरु वैष्णव की कृपा हमारे ऊपर हुई है, हमें इतना अच्छा मठ मंदिर मिला है। और मठ मंदिर, मंदिरों में मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में मठ मंदिर का उद्देश्य क्या है? सही शिक्षा मिलना। जैसे कि मैं मठ में आने से पहले मुझे क्या पता था? पाप और पुण्य दो चीजें होती। पाप क्या होता? किसी कुछ गलत करने से पाप होता है, नरक जाता है। और पुण्य क्या होता? कुछ भी, किसी को पानी पिला दो और किसी का कुछ भला कर दो और किसी को अस्पताल पहुंचा दो, ये सब पुण्य होते थे। लेकिन जब मैंने मठ में आके, ये बड़ा विचार आप सुनना, क्या मठ में आके पता चला, मैंने एक प्रभु जी कथा सुना रहे थे कि वास्तव में पाप क्या है। उन्होंने कहा गुरु हरि गुरु वैष्णव की सेवा और चिंतन के अलावा संसार में जो कुछ भी कर रहे हो सब पाप है। मैंने कहा ये क्या बात हुई? अपने माँ बाप की सेवा करना क्या पाप है? अपने 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 बच्चों का चिंतन करना क्या पाप है? बोले हाँ सब कुछ पाप है। बोले केवल गुरुदेव की और वैष्णव की और भगवान की सेवा करना बोले ही केवल ठीक है, उसके अलावा संसार में जो कुछ सब पाप है। कैसे उन्होंने समझाया? उन्होंने बोला देखो ये चार गुण होते, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी। तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? तमोगुणी सभी जानते हैं, नरक में जाएगा, पाप करता है ज्यादा, उसको ज्ञान भी नहीं होता, तमोगुणी होता है और अंत में जो है नरक भोगता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है कि वो क्या है, यहाँ पे मृत्यु लोग में ही आ जाता है वापस मृत्यु लोग। और जो सतोगुणी लोग हैं वो पुण्य कर्म करते हैं, उनको हम लोग जो है अगर कर्म कांड में देखोगे तो उनको पुण्य कर्म बताया कि जो सतोगुणी व्यक्ति वो ज्यादातर पुण्य कर्म करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? वो स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं। तो इनको क्या बताया? मायिक बताया। ये सब माया से संबंधित है, चाहे तमोगुणी हो, चाहे रजोगुणी हो या सतोगुणी हो। हम लोगों को क्या पता? तमोगुणी पाप, सतोगुणी पुण्य आदि करना, पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, वस्त्र देना या देवी देवताओं की पूजा करना काम, ये सब पुण्य कर्म कहते थे, भंडारा करवाना ये सब पुण्य कर्म। लेकिन क्या है, माया से जितनी भी संबंधित चीजें हैं, अगर यदि हम उनका सबका चिंतन करेंगे तो होगा क्या, हम जो है माया में फंसते जाएंगे। और यदि हम गुरु हरि गुरु वैष्णव का चिंतन करेंगे तो हम माया से निकलेंगे। हमारा उद्देश्य क्या है? माया से निकलना। भगवान कृष्ण ने गीता के लास्ट में क्या बोला कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां सदा। उन्होंने क्या बोला? सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। उन्होंने पुण्यों को क्यों नहीं बोला? भाई अगर पाप, हमें पता है जब तक हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों नष्ट नहीं होंगे तब तक हमें स्वरूप की सिद्धि नहीं होगी, तब तक भक्ति मिलेगी नहीं हमें। देख भगवान ने बोला हम तो भाई पाप कर्म केवल नष्ट करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे नहीं। अब पुण्य कर्म अगर रह जाएंगे तो फिर हमारे तो भगवान की प्राप्ति होगी नहीं। तो भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम पुण्य कर्म सस्ते वास्तव में वो पुण्य कर्म सब पाप है।
मैं केवल मेरी शरण में आना ही पुण्य है और इसके अलावा सब कुछ पाप है। तो इसलिए भगवान ने जो पुण्य है वो भी पाप है, जो पाप है वो तो पाप है ही। तो ये जो विचार है कहाँ से पता चलेंगे, ये सब हमें जो है गुरु वैष्णव और मठ से पता चलेंगे। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारे जो है इतना अच्छा मठ होगा, हर सैटरडे संडे हम लोग आएंगे यहाँ पे, कथा कीर्तन सुनेंगे और जिसको जितना हो सके वो सब सेवा करेंगे। देखो श्री भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं, जितने क्रिए भजन देखी क्रिय से गोल प्रभाव। इसका मतलब है जो गृहस्थ भक्तों का जो घर है, जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा पाठ होता है वही वृंदावन है, वही वृंदावन। इसलिए जब आप ठाकुर जी के उद्देश्य में जो भक्त लोग, उनका भी पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, कहते उनका जो घर है ना वो घर नहीं, उनका घर भगवान का धाम है, उनका घर वृंदावन है। क्यों? वो जो कुछ करते हैं ठाकुर जी के लिए ही करते हैं। अगर हमारे परिवार, बीवी, बच्चे, पुत्र, परिवार अगर भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, फिर तो वो सबके सब वैष्णव हरि गुरु वैष्णव, वो सबके सब वैष्णव है। इसलिए जो गृहस्थ लोग जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका घर ही वृंदावन है, इसलिए उनके लिए करना ही ये भक्ति है। लेकिन जब भगवान की भक्ति नहीं करते उसमें गड़बड़ी, इसलिए सब कुछ करो भगवान के लिए ही हमें करनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप कुछ थोड़ा बता सकते जीत जीत प्रभु जी जीत जीत ऋषि प्रभु जी ऋषि अज्ञान को विरांध से ज्ञान को मिल सका या से छोड़ दो निकल दो पसने से ऋषि प्रभु जी अंशा करते हो भस्य जा के पास में हो गए जब तत्ता नाम पार में हमने शुरू कर दिया वृंदाय तो सिद्धि की क्रिया के समस्य कृष्ण भक्ति को देने से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री देह गदाधर श्री वासा की गुरु प्राप्त हो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अगर सारे चीज है और विश्वास में अभाव हो गया तो वो जो है सारे बेकार हो जाएगा। विश्वास का मतलब एकदम तलवार के नोक पे खड़ा हो जाना। संसार में कितना भी कुछ भी हो जाए, पर्वत टूट के गिर जाए, प्राण भी जाए, वो भी भगवान से अविश्वास ना करना, वो है भक्ति और शरणागत का लक्षण। और वो जो है कि उसमें कोई हानि नहीं है, किसी भी स्थिति में हानि नहीं है। चलिए उदाहरण के दो चार उदाहरण देते हैं। जैसा महाभारत युद्ध छिड़ गया था, कौरव पांडव थे, वो जो है ऐसे भी भगवान ने आदेश दिया था अर्जुन को कि चलो दिव्यास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करो, कहाँ स्वर्ग भी गए, भगवान भोलेनाथ के पास भी गए, टाइम कम है शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। फिर आ गई बारी भगवान के पास युद्ध के लिए, दोनों पक्ष को जो है कि सहायता के लिए। लेकिन वहां पे कौरव सेना ने ऐसे ऐसे सेना थे कि एक को भी नहीं पांडव कुछ कर सकता था, एक एक भी ऐसे ऐसे जोधा जैसे विश्वमित्रा द्रोणाचार्य या जो कुछ भी बहुत सारे थे अस्पताल तो। लेकिन उस समय जो बात आई कि एक तरफ नारायणी सेना, दूसरा तरफ भगवान, वो भी नहीं हथा हस्त्र नहीं चलाएंगे। लेकिन भगवान ने तब विश्वास करने वाला कौरव दुर्योधन वो क्या किया कि वो खुश हो गया नारायणी सेना लेकर के कि नारायण तो युद्ध नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि विश्वास उसका नहीं है भगवान को, उसको विश्वास है भगवान के सेना में। लेकिन अर्जुन भगवान का भक्त था, वो दृढ़ था अपने विश्वास में कि भगवान के पास अगर युद्ध नहीं भी करेंगे तो भी भगवान हमारे पास है तो जीत मेरी होगी, और भगवान से बढ़कर और दूसरा क्या चीज है। भगवान के पास अगर हमारा सर्वस्व चला भी गया तो भी कोई बात नहीं, दोनों हाथ में लड्डू है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी नहीं ठीक है। तो ये विश्वास यहाँ पे एक जो है कि अटूट यहाँ साबित होता है। दूसरा जो है
प्रमाण मिलता है अपना ये भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज की, जो उन्होंने जो भूमिका निभाया, उसने जो भक्ति मार्ग में चला, तो उस बेचारे को खौलते हुए तेल के कड़ाह में भी डाला गया हरिनाम की बंद करो, उसका पिता जो हिरण्यकश्यप, और तरह तरह के यातने यातनाएं उसके ऊपर पर्वत से भी फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी वो जो है कि अटूट विश्वास, वो विश्वास से कभी डगमगाया नहीं और उस पे खा रहा है। लेकिन हम क्या है, हम थोड़ा सा तकलीफ होने लगता है तो हम विश्वास हार जाते हैं, फिर हम शरणागत भी तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है, जितने भी अभी तक जो है भगवान के रियल में भक्ति पथ पे चले, वो जो है अपने जान धन माल की परवाह, सब कुछ भगवान का है और रहेगा, और जब तक उसको हम पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे पूर्ण विश्वास से, तब तक जो है कि भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता है। क्योंकि विश्वास बहुत जरूरी है, शरणागत बहुत जरूरी है। अब उसके लिए जान जाए या धन जाए, हमें एकदम सावधान टीका लाना पड़ेगा भक्ति के, और हम अपना जो ड्यूटी है, हमारा जो स्वरूप है और हमारा जो सेवा है, उसमें एकदम निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से और पूर्ण सच्चाई ईमानदारी से, एकदम हार्ट दिल से, हार्ट एंड सोल के साथ हमें इस भक्ति मार्ग पर भगवान पे विश्वास करके पूर्ण शरणागत होके अग्रसर होना चाहिए। वही भक्ति का पूर्ण जो है कि स्वरूप है। बस इतना ही करके मैं विराम देता हूँ। पंचा कल्पुर भक्ति पत्ता नाम पागल है वैष्णव मनमोहन प्रभु जी, मनमोहन हरे कृष्ण। अब आप लोग मंदिर में शरणागति के ऊपर कोई कुछ बोल सकते हैं? कौन बोलना चाहता है? हाथ उठाओ, अगर कोई बोलना चाहेगा तो हमसे जरूर लगे। ओम अख्यागति व्यामृश्य ज्ञानंजन शलाक चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्तशील श्रीधर गोस्वामी नाम्ने वांशाकल्पद्रुभश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधु श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आगे आगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 गुरुदेव के आदेश अनुसार गुरुदेव ने कुछ आदेश दिया है हरिकथा बोलने के लिए। हरिकथा का तो पता नहीं, से हरि बोल, मुझे कुछ हरिकथा बोलनी तो आती नहीं, बस गुरुदेव के आदेश पालन करने के लिए। बस मैं एक छोटी सी एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, भक्त बैठे, इतने सारे भक्त बैठे हैं, अच्छा आवाज आ रही है, कैसे बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही। इससे पीछे भी एक माइक लगा वहां पर, इसको घर पहुंचा माइक ना थोड़ी सी इधर ला करके उसका मुंह उधर कर दो, कोई है अंदर, आवाज आ रही है धीरे 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 थोड़ी सी, आवाज बढ़ा इसके साथ।